हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एनवायरमेंटल एनालिसिस का ही पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है और वो किस तरीके से कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके क्या मतलब बेसिकली एनवायरमेंटल स्कैनिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कन्वर्टिंग थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि हमने अभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिनसे कि हमें थ्रेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर था। तो इकोनॉमिक अगर इन फैक्टर किसी भी तरीके से बढ़ रहा है या किसी तरीके से डिप्लीट कर रहा है, जैसे कि अभी हम रिसेंट में देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है, तो उस इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जनरली बेसिकली हम इसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ना ऑब्वियसली किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, बट अगर हम FMCG सेक्टर देखें तो FMCG सेक्टर को इसमें से कुछ फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कोई बिस्किट का पैकेट लेते हैं, 10 रुपये का कोई बिस्किट का पैकेट आता है। हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि पाले जी के जो पैकेट्स हैं वो 5 रुपये के 10 रुपये के ही आ रहे हैं, बट वो उसमें क्या करते हैं, वो उसमें रैशनिंग कर लेते हैं। पहले हो सकता था कि 10 रुपये में 100 ग्राम आता हो, अब 10 रुपये में 80 ग्राम आता है। बिस्किट के पीसेज उतने ही रहते हैं, बिस्किट का पैकेट उतना ही बड़ा रहता है, बट वो उसमें जो बिस्किट का साइज़ है या बिस्किट के वेट है वो उस वेट को कम कर देते हैं। तो एक तरीके से वहाँ पर रैशनिंग कर लेते हैं। बट लेकिन जब इन्फ्लेशन के रेट वापस से सही हो जाएंगे तो क्या ये वापस से 80 ग्राम का जो उनका पैकेट था वापस 100 ग्राम का कर देंगे? नहीं। तो यहाँ पे एक तरीके से वो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर लेते हैं। मतलब उनके लिए एक उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हाँ अब ये पैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो जो उनने प्राइसिंग चेंज करी है, प्राइसिंग जनरल ने चेंज कैसे करी कि अब वो 100 ग्राम का पैकेट की जगह 80 ग्राम का पैकेट दे रहे हैं, बट प्राइसिंग उतनी ले रहे हैं। लेकिन जब वापस से सीन जो सिनेरियो है वापस से सेम हो जाएगा तो उसके बाद वो वापस से 80 ग्राम के पैकेट को 100 ग्राम का पैकेट वापस से नहीं करेंगे। सो एक तरीके से ऐसे सेक्टर को फायदा हो जाता है। नेक्स्ट इज चेंजिंग कलर ऑफ एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट किसी भी तरीके से चेंज कर रहा है, जैसे हम इंडिया में कल्चरल फैक्टर्स में अगर कल्चरल एनवायरनमेंट देखें तो बहुत ज्यादा चेंज होता है हमारा। हम पहले इंडियन अगर एग्जैक्टली इंडियन वेयर में थे तो अब हम पूरा वेस्टर्न कल्चर की तरफ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। पिछले जो पास्ट 20-30 ईयर्स रहे ये इसमें एक बहुत ज्यादा ड्राइविंग फोर्स रहा है एक तरीके से टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एनहांस हुई है उसी तरीके से हम मोर वेस्टर्न होते जा रहे हैं, चाहे वो अपने ड्रेसिंग से बात करें, चाहे वो अपने लिविंग कल्चर से रिलेटेड बात करें। तो यहाँ पे कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी थी जो कि सिर्फ एथनिक वेयर्स में काम करती थी, तो अब हो सकता है कि वो अपना एक नया सब्सिडरी चालू कर दे जिसमें वो वेस्टर्न और एथनिक दोनों को चालू करे, तो दोनों तरीके से उनको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट इज नैरोइंग अल्टरनेटिव्स। अगर कोई एक नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी अपना एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च करने वाली है। नया फ़ोन लॉन्च करने के लिए वो सोच रही है कि मैं कौन से टेक्नोलॉजी में लेके आऊँ, क्या मैं इसको 4G में लेकर आऊँ या मैं इसको 5G में लेकर आऊँ। तो हो सकता है कि अभी क्योंकि 5G हर स्टेट में आया नहीं है, हर सिटी में भी अवेलेबल नहीं है, तो वो हो सकता है कि कुछ पीसेज निकालें 4G के और कुछ पीसेज निकालें 5G के लिए। बेसिकली कंपनीज स्टेट स्पेसिफिक हो सकते हैं या फिर सिटी स्पेसिफिक हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर सिटी में अगर सिर्फ 5G आया है तो हो सकता है वहाँ पे वो 5G लॉन्च करें और बाकी जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है 5G का, वहाँ पे वो फोकस करें 4G के ऊपर ही। तो यहाँ पे वो एक तरीके से अपने अल्टरनेटिव्स को चूज़ करने में इजीली हेल्प करेगा। लास्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपके जो आने वाले जैसे कि जनरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें वो आने वाले 3 महीने, 6 महीने, साल में या 5 साल के लिए भी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ बनाते वक्त वो इन्हीं फैक्टर्स का ध्यान में रखते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आने वाले टाइम में कंट्री पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे रहने वाले हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका अप्रोच कहाँ पर है। जैसे अगर हम रिसेंटली देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिफेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो हो सकता है कि नए कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा है, बिरला है या इस तरीके तो बहुत सारी कंपनीज हो सकता है वो भी डिफेंस सेक्टर में आ जाएं, या फिर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कंपनीज जैसे कि कोल इंडिया के जो काम करते हैं, जो कोल से रिलेटेड काम करते हैं, हो सकता है वो अपने फोकस शिफ्ट करें टुवर्ड्स अ ग्रीन टेक्नोलॉजी जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द टेक्निक्स, वो किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। जो मान लीजिए आपका कंपटीशन है उनके ऊपर किस तरीके से ध्यान रखें, जो बाकी के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से फोरकास्ट रखना है ताकि जो चेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, वी नो दिस टुडे कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है, बट जो कंपनीज हैं ये इनको 1 साल या 1.5 साल
पहले ही उन्होंने ये चीज़ फोरकास्ट कर ली होगी। तो कैसे करी होगी? बाई यूजिंग अ सर्टेन टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़। फर्स्ट इज़ वर्बल। वर्बल एज इन कि जब आप अपनी कंपनी में बात करते हो, या फिर आप मान लीजिए मैं किसी कंपनी को बिलोंग करता हूँ और मेरे कहीं पर नेटवर्किंग है विद पॉलिटिकल फैक्टर्स या किसी लीगल डिपार्टमेंट मेरे सेंक्शन हैं, तो जब उनको उनसे मेरी बात होगी तो हो सकता है कि मेरे को बातों में मेरे को कुछ चीज़ें बताएं कि क्या सिनेरियोज इंडिया में अभी रिसेंटली चल रहे हैं, इनके इम्पैक्ट्स आने वाले टाइम में क्या हो सकते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो RBI इसके लिए रेपो रेट बढ़ा रहा है। ऑब्वियसली वी ऑल नो दिस, और ये चीज़ होने वाली भी थी। कुछ कंपनीज हो सकते हैं जिनका वर्बल उनके साथ वर्बली जैसी बात हुई हो नॉर्मली, और अनऑफिशियली उन्होंने ये चीज़ पहले ही बता दी उनको कि हम पहले से ही रेपो रेट बढ़ाने वाले। तो जिन कंपनीज़ को इससे फ़र्क पड़ने वाला था, हो सकता है वो पहले से ही अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ चेंजेस ले आए उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज स्पाइंग। ऑब्वियसली स्पाइंग इज़ अनएथिकल, बट अगर कहीं कहीं पर आप स्पाइंग जरूर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके ऊपर आप स्पाई करवाते हो, जैसे कि जैसे एयरटेल है, वोडा आइडिया है, ये एक दूसरे के ऊपर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बेसिस पर स्पाइंग कराएं कि अभी ये लोग किस स्पेक्ट्रम पर काम कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, एंड सो जो भी उनके आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट्स होने वाले हैं या फिर जो कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उससे रिलेटेड वो लोग स्पाई करा सकते हैं और उससे बेहतर प्रोडक्ट या सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपनी रिकॉर्ड्स। ऑब्वियसली कंपनी रिकॉर्ड्स आर ऑफिशियल, जैसे कि अभी अला क्वार्टर खत्म हुआ, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद सभी कंपनीज ने अपने अपने पिछले के रिकॉर्ड्स दिए हैं। तो अब अगर मान लीजिए मैं टाटा मोटर्स हूं तो मैं मारुति सुजुकी के भी देख सकता हूं, मैं हंडे के भी देख सकता हूं, मैं आयशर के देख सकता हूं, किस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है उसके स्ट्रेटजीज देख सकता हूं, और उस रिकॉर्ड से रिलेटेड जो उनको प्रॉफिट अर्निंग हुई है उससे मैं अपने कंपनीज का मैच कर सकता हूं कि मेरी कंपनी ने ऐसा क्या लैग बिहाइंड किया था या फिर उनकी कंपनी ने ऐसा क्या अच्छा किया था जिससे कि मैं अपने कंपनीज के नेक्स्ट क्वार्टर में ग्रो कर सकता हूं। नेक्स्ट इज पब्लिकेशंस। जो पब्लिकेशन हाउसेज होते हैं वो रिपीटेडली या फिर हर टाइम बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ देते रहते हैं या कुछ ऐसे पब्लिश करते, जैसे कि कुछ नया मैनेजमेंट में अगर चेंजेस आए हैं तो वो चीज़ वो पब्लिश करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो वो चीज़ वो पब्लिश करेंगे। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं उनको ही पता चल जाता है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें ही पता चल जाता है, और बाकी सबको जो नियर बाय उनके साथ में होते हैं उनको ही पता चल जाता है। लास्ट इज़ फोरकास्टिंग, जो कि आप इन सभी फैक्टर्स को देख के आप फोरकास्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में आपकी कंपनी में किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो, किस तरीके लेकर आ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।